महंगाई दीमक की तरह खा रही है। कभी सोचा है आपने, एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है? क्यों? कभी सोचा है आपने, दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे, ये 15 साल पुरानी बात करेंगे। आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना, ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना, ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना, ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना, ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना, ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में, सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया, भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। गुलगन से विजावर आ रही तेज रफ्तार आपे कंचनपुर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया। इस दुर्घटना में घायलों ने बताया कि आपे में क्षमता से अधिक सवारियां थी। घायलों को 108 की मदद से विजावर अस्पताल लाया गया, जिसमें 3 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया और बाकी लोगों का प्राथमिक उपचार किया गया। एक आपे है जिसका नंबर है MP 36/2084, इसमें कुछ लोग बैठे थे, करीब 10-11 लोग बैठे थे। गुलगंज से बिजावर की ओर आया था तो कंजरपुर के पास पलट गया है, जिससे सभी लोग इंजर्ड हो गए, 3 रेफर हो गए छतरपुर। तो वे लोग आए हैं रेफर, इंजर्ड हुए, उनकी FIR ले ली गई है 203/37 में, वो ऑटो को भी बुलवा लिया गया है। अभी शासकीय हॉस्पिटल बिजावर में 11 मरीज आए हैं, जिनमें पुरुष, महिलाएँ और बच्चे शामिल हैं। इनमें से 3 की अति गंभीर अवस्था में थी, उनको जिला चिकित्सालय छतरपुर रेफर कर दिए गए हैं, बाकी का इलाज चल रहा है। कहाँ गए आप? धर्मपुरा। कहाँ जा रहे थे आज टैक्सी में? बाजार आ रहे थे पे। तो कहाँ, क्या ऐसा क्या घटना हुई? ये गुलगंज के आसपास रास्ते में, ये तो पता नहीं कहाँ पे, देखा नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। मतलब टेम्पो तेज चला रहा था, मना भी किया उसे, तेईस 21 आदमी थे ऐसे, कुछ बहुत ज्यादा भर रखे थे। आपको कहाँ चोट आई? मुझे हाथ में और पैर में चोट आई बहुत ज्यादा। घटना के बाद चालक आपे को लेकर फरार हो गया। घायल महिलाएं गंभीर अवस्था में होते हुए भी विजावर थाने पहुंची और वाहन चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने तत्परित कार्रवाई करते हुए आपे को ढूंढ निकाला है। आप देख रहे हैं
दखल न्यूज। महंगाई दीमक की तरह खा रही है, कभी सोचा है आपने? एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है? क्यों, कभी सोचा है आपने? दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे, ये 15 साल पुरानी बात करेंगे। आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना, ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना, ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना, ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना, ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना, ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में, सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया, भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।